दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने गाड़ी के आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट करना सीखेंगे। यदि आपके गाड़ी के आरसी में पहले से मोबाइल नंबर ऐड नहीं है, तो आप चाहें तो अपने गाड़ी के आरसी में मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए पहले से ऐड है भी, तो आप चाहें तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इसे कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करेंगे परिवहन.gov.in, इतना लिख कर सर्च कर देंगे तो यहाँ पर परिवहन सेवा का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और यहाँ देखिए लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। वैसे तो इस पेज में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अपने गाड़ी के आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है व्हीकल रजिस्ट्रेशन, उसके जस्ट नीचे दिया है मोर, इस पे हमें क्लिक करना है। तो देखिए फिर से यहाँ पर पेज चेंज हुआ है। थोड़ा सा पेज को ऊपर खिसकाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है सिलेक्ट स्टेट नेम, इसमें क्लिक करके यहाँ से हम अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, यानी आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जिस स्टेट में हुआ है उस स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं करता हूँ झारखंड। अब देखिए यहाँ लिखा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, पेज को हम ऊपर खिसकाएंगे तो यहाँ साइड में देखिए तीन ऑप्शन मिलते हैं, इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट ऑटोमेटिक आ चुका है क्योंकि हमने पहले ही स्टेट सेलेक्ट कर लिया था, और नीचे दिया है RTO नंबर। तो यहाँ पे हम अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ से हमारा गाड़ी जिस RTO से रजिस्टर हुआ है उस RTO को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर हमें एक बार क्लिक करना है। उसके बाद इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर में अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, नीचे दिया है सेलेक्ट RTO, इसमें हम क्लिक करेंगे। हालांकि कभी कभी RTO में सेलेक्ट नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप व्हीकल नंबर डालकर प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। फिर से पेज चेंज हुआ है, पेज को हम ऊपर खिसकाएंगे तो यहाँ देखिए ऑनलाइन सर्विसेज में चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिनमें से यहाँ चौथा वाला है मोबाइल नंबर अपडेट, इसी पे हमें क्लिक करना है। मोबाइल नंबर अपडेट करने की फैसिलिटी जिस जिस स्टेट में लागू हुआ है उस स्टेट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। फर्स्ट में दिया है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र। यदि इस लिस्ट में आपके स्टेट का नाम है तो यहाँ से आप एस पे क्लिक कीजिए। मेरे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन झारखंड में हुआ है तो चलिए एस पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया है अपडेट मोबाइल नंबर। यहाँ पर हमें अपने गाड़ी का कुछ डिटेल फिल करना है, जैसे कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन या फिटनेस वैलिड अप टू डेट। तो चलिए ये पूरा डिटेल हम फटाफट यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ये सब पूरा डिटेल डालकर शो डिटेल पे क्लिक करेंगे। देखिए इतना डिटेल हमने खुद भरा है और नीचे वाला डिटेल ऑटोमेटिक आ चुका है, जैसे कि ओनर नेम, फादर का नाम, करंट एड्रेस। पेज को थोड़ा ऊपर खिसकाएंगे तो देखिए ये मोबाइल नंबर हमारे इस गाड़ी के आरसी के साथ लिंक है। लेकिन यदि आपके गाड़ी के आरसी में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक शो होगा, यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर नहीं लिखा होगा, तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर को ऐड कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए मोबाइल नंबर ऐड है फिर भी आप चाहते हैं कि इस मोबाइल नंबर को चेंज करके कोई नया मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करें, तो आप यहाँ पे नया मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक नया मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। नया मोबाइल नंबर डालकर जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपने जो यहाँ पर नया मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालना है। देखिए मेरे मोबाइल पे ये OTP आ चुका है, लेकिन यहाँ पर OTP डालने से पहले यहाँ जो अलर्ट दे रहा है OTP सेंड करने का, इसे हमें यहाँ से क्रॉस करना है, यानी खत्म कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे OTP डाल सकते हैं। OTP डालकर सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा आ गया कंफर्मेशन, आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट ईमेल या मोबाइल नंबर डेटा। यहाँ पर बोल रहा है कि
कि क्या आप श्योर हैं मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा गया मोबाइल नंबर हैज बिन अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी हमारे गाड़ी की आरसी में मोबाइल नंबर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने गाड़ी की आरसी में मोबाइल नंबर को ऐड कर सकते हैं, या फिर पहले से ऐड है तो उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।